दोस्तों 1 जून से बदल रहे हैं ये नियम, जानिए आप पर क्या होगा असर। कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए जहां देश में लॉकडाउन लागू है, लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। फिलहाल देश में 31 मई तक का लॉकडाउन रखा गया है। इस चरण में शर्तों के साथ ढील दी गई है। वहीं जल्द ही इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी कि लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होगा या आगे बढ़ेगा। इसी बीच आपको बता दें कि 1 जून से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदलने वाली हैं। इसमें रेलवे, बस, राशन कार्ड और एयरलाइन से जुड़े बदलाव शामिल हैं। इसमें कई चीजें आपके लिए लॉकडाउन के बाद शुरू हो रही हैं, तो कई चीजें सस्ती महंगी हो रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा और ये असर आपकी जेब पर क्या असर डालेंगे। लॉकडाउन में 1 जून से चलेंगी 200 ट्रेनें। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों की राहत के लिए भारतीय रेलवे 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये 200 ट्रेनें नॉन एसी होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। बता दें गोयल के मुताबिक भारतीय रेल 1 जून से अपने टाइम टेबल के हिसाब से हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों की बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। हालांकि इन ट्रेनों की तय तिथि और इनके रूट के संबंध में फिलहाल कोई सूचना नहीं मिल सकी है। शुरू हो रही है नई स्कीम। केंद्र सरकार आगामी 1 जून से अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड को देश भर के 20 राज्यों में लागू करने जा रही है। इसके बाद इन 20 राज्यों में राशन कार्ड धारक किसी भी प्रदेश के सरकारी राशन केंद्र से राशन की खरीदारी कर सकेंगे। केंद्र सरकार की इस योजना से बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के लोगों को बेहद कम कीमत में जरूरी अनाज मुहैया कराया जाता है। शुरू हो रही गो एयर फ्लाइट्स बजट कैरियर गो एयर सरकारी निर्देशों और नियमों का पालन करते हुए 1 जून से अपनी घरेलू उड़ानें शुरू करने वाला है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर ऐलान किया कि 25 मई से देश भर में घरेलू पैसेंजर उड़ानें शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए पैसेंजरों और एयरलाइन सभी को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ेगा। गो एयर को छोड़कर शुक्रवार से एयर इंडिया सहित सभी भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने घरेलू उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। महंगा हो सकता है पेट्रोल। लॉकडाउन 4.0 में तरह की ढील दी गई है। कई राज्यों ने पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को खोल दिया है, जिससे फ्यूल की मांग में इजाफा हुआ है। वहीं अप्रैल में लॉकडाउन के कारण पूरे देश में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के कारण फ्यूल की मांग में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। कई राज्यों ने पिछले दिनों वैट बढ़ाकर फ्यूल महंगा कर दिया और अब इस लिस्ट में एक और राज्य है जहां 1 जून से पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। वहीं मिजोरम सरकार ने 1 जून से राज्य में पेट्रोल पर 2.5% और डीजल पर 5% की दर से वैट बढ़ाए जाने का ऐलान किया है, जिसके बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें 1 जून से चलेंगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज प्रबंधन ने 1 जून से बसें चलाने की कार्य योजना बनाई है, बशर्ते इस अवधि में कोई नई व्यवस्था शासन स्तर पर न प्रभावी हो। बसों को हर हाल में 30 मई तक फिट करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। डिपोवार काम भी शुरू करा दिया गया है। बस संचालन के दौरान जारी गाइडलाइन का 100% पालन कराने की जिम्मेदारी बस अड्डा प्रभारी से लेकर ड्राइवर कंडक्टर की होगी। ध्यान रहे कि मास्क पहने व्यक्ति को ही बस अड्डा परिसर में प्रवेश की छूट रहेगी। बस में कंडक्टर सीट के सामने सैनिटाइजर की बोतल रखी होगी। सैनिटाइज करने के बाद ही यात्री बैठेंगे। कंडक्टर और ड्राइवर को अलग से सैनिटाइजर की बोतल मिलेगी। बस की क्षमता के आधे ही यात्री सफर कर सकेंगे। यह संख्या बस की क्षमता पर तय होगी। वहीं सामान्यतया 60 सीटर बस में 30 यात्री होंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं ताज़ा खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।